श्री राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। बिहार की सियासत देश की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको जानकारी दे दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बाजी पलट दी, वह इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ते हुए नजर आए हैं। राजद के साथ जिस तरह से जेडीयू का गठबंधन टूटा है और एक बार फिर से जेडीयू बीजेपी के साथ आ चुकी है, ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर अहम फैसला लिया जाए इस इंडिया गठबंधन की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि इस टूट को देखते हुए अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी एक बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को इस गठबंधन में शामिल कराए जाने की कोशिशें रही, लेकिन तमाम कोशिशें यहां पर रंग नहीं ला पाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सुर बदलते हुए नजर आए कि कैसे भी करके मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया। अब यहाँ पर बिहार में जो टूट देखने को मिली है, उस टूट को देखते हुए बीएसपी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, बीएसपी सांसद मलूक नागर ने खुलकर अपनी बात रखी है और वह कांग्रेस को नसीहत देते हुए नजर आए हैं। मलूक नागर का कहना साफ तौर पर रहा है कि जिस तरह से बिहार में टूट नजर आई है, बीते पिछले साल इंडिया गठबंधन जो बनाया गया विपक्षी दलों की तरफ से, उन्हें उम्मीद थी कि वे इसके लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को लोकसभा में टक्कर देंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा ये गठबंधन। ऐसे में यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं मलूक नागर ने। उनका कहना है कि तथाकथित इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने समझदारी से काम लिया होता और अपने सहयोगियों को एकजुट करते, अगर उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए माफी मांगी होती, हमारे नेता मायावती को पीएम उम्मीदवार बनाया होता, तो आज स्थिति बिल्कुल अलग होती। चुनाव में मुकाबला बराबरी का होता है, भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, माहौल बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो मलूक नागर ने साफ तौर पर अपनी बात रखी है, उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा है। तो अभी नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बाजी पलट दी है और इस बाजी के पलट जाने के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं, ऐसे में बीएसपी तमाम राजनीतिक जो दल कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों को कहीं ना कहीं बीएसपी यहां पर देखा जाए तो साइडलाइन करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो प्रस्ताव बीएसपी को मिले हैं गठबंधन में शामिल होने के, यहां पर साफ तौर पर मायावती की तरफ से कह दिया गया है कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन मलूक नागर ने एक बार फिर से अपनी बात रखी। इससे पहले भी मलूक नागर कह चुके हैं कि पीएम पद की दावेदारी के लिए मायावती को आगे करना चाहिए और कांग्रेस को उनसे माफी मांगनी चाहिए, और एक बार फिर से वही बात कही जा रही है। ऐसे में यहां पर ये जो टूट देखने को मिली है, इस टूट के बीच बार बार मलूक नागर की तरफ से वो हिंट दी जा रही है कि देखिए गठबंधन कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से कोशिशें अगर इस कदर होती हैं तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन भी पॉसिबल होगा। अब देखते हैं आने वाले समय में यहां पर क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, मायावती इस पर क्या कुछ आखिरी फैसला लेंगी, गठबंधन क्या ऐन मौके पर वह करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव से महज कुछ दिनों पहले ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे इतना ही, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।